उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के 35 गांव के लोग आदमखोर भेड़िए के खौफ में जी रहे हैं। इन गांव में लोग रात रात भर जाकर घरों की रखवाली कर रहे हैं। वन विभाग ने 4 भेड़ियों को पकड़ लिया है, लेकिन अब भी 2 भेड़िए आतंक मचा रखे हैं। इसे देखते हुए पुलिस का दल हरदी थाना क्षेत्र के पुरवा गाँव पहुँचा और आदमखोर भेड़ियों से बचाव के लिए ग्रामीणों के साथ बैठक की। इस दौरान पुलिस ने ग्रामीणों को कई तरह की जानकारी भी दी। उजाला रहेगा तब भी कम से कम उतनी दिक्कतें नहीं होंगी। हाँ, कम दिक्कत होंगी। प्रयास ये करिए कि लाइट अगर जीवन से बढ़कर कुछ नहीं है तो उसमें किसी प्रकार की समझौता या लापरवाही ना करिए। अपनी सुरक्षा में हाँ उसमें नहीं, हर आदमी लगे हैं, लेकिन जब तक नहीं पकड़ा जा रहा है तब तक तो बचाव करना ही करना है। विजिलेंस होना तो जरूरी सर। आप ही ये घटनाएं हो रही है, कहीं उनकी जो आक्रमण से लोग घायल हो रहे हैं, कहीं उनकी जान जा रही है। पहले छोटे बच्चों के ऊपर हमला होते थे, अब तो बड़े सयानों पे भी होने लगे हैं कई। जैसे अभी ये 12 बीघा भी हुआ है, लगभग 60 साल की कुम्हारन पुरवा में, वो भी लगभग उनकी एज 55-60 साल के आसपास थी, हालांकि बच भी नहीं पाए बेचारी। उसी दिन एक और पुन्नू या क्या करके हुआ था, वो भी काफी संघर्ष की। ना ही सबसे बड़ी सजगता है और सबसे बड़ा बचाव भी। शाम को जो गांव में टहलते हैं छोटे बच्चों को कहते हैं उसमें ना टहलने दें, कि छोटे बच्चों को टहलने दें। और जब हम अपनी मेहनत से किसी की जीवन को सुरक्षित बचा ले जाए तब तो ठीक है। घटना हो गई तो क्या वो वापस थोड़ी जाना है? तो शाम को घर रहते हैं कि नहीं रहते हैं? बच्चों इसी में रहते हो? नहीं, देखो ये सारे छप्पर है भाई, ये दिक्कत है, ये लगाने के लिए बना रहे हो क्या? जो चटिया बना रहे हो बच्चों को घर जाओ। नहीं, अगर और दिक्कत हो तो इन बच्चों को दूसरे के घरों पे लेटा दो, दूसरे। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि पुलिस ने खुद को बचाने और सतर्क रहने के लिए समझाया है, हर कोई जागरूक है। पुलिस ने हमें अपने घरों के अंदर और छतों पर रहने की सलाह दी है, साथ ही कहा है कि घरों के दरवाजे बंद रखें। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि हम डरे हुए हैं। समझावा गया है कि होशियार रहो, जागत रहो और अपन सुरक्षा करत रहो और जगावत रहो सबका, यह सब बतावा गया है और यह सब करते हैं। दिन रात जागत है, होशियार है सब, अब जिनाए होशियार रहते वह चूक जाने कहूँ कहूँ। कैसे सोना है, कैसे रहना, इसके बारे में भी बताया? हाँ, इसके बारे में बताऊँ, घर के अंदर रहो, छत के ऊपर रहो और पल्ला बंद रखो, यह सब बतावत है। आपके गांव में हमला हुआ था भेड़िया के इधर कहीं? हाँ, ये हर भवारा है, भटौली में भरा है, भटौली में हमला भरा है। तो डर लग रहा है और एक गाँव भरा है, एक गाँव में भरा है। हाँ, डर तो लगता है और का। इस मौके पर कई ग्रामीणों ने सवाल भी उठाए कि आखिर भेड़िया पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है? 2 महीने हो गए, हम कब तक जागते रहेंगे? हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, हमारे बीच जागरूकता है, लेकिन भेड़ियों को पकड़ना ज्यादा जरूरी है। कहा मतलब यू है कि इका पकड़ा कहे ना जात है, पकड़ो तो जाए ही, हमका लोगन बतावा तो जात है, वो तो ठीक है, लेकिन इका कहे मतलब आए दिन करत है, वो सब उड़ावत है और देखत है और पकड़ो तो करत कोई ना है, यहू तो करे के ही। मान लिया बतावो तो जाते, तो कब तक बतावो जी? लगभग 2 महीना हो गई, तो अब कहे मतलब इका कुछ गवर्नमेंट के यहाँ यहू तो करे के ही, कि कहे मतलब ये है कि व्यवस्था करे के ही, कि हम लोग पूरा जगते रह जीवे। अब यू काम तो गवर्नमेंट के रहा है, वन विभाग तो पकड़ रहा है, लेकिन कहे मतलब अब ये सिसैया में है पकड़ा गवा और बाकी वो सब टहलते हैं, जहाँ देखो हमें मार देते हैं, जी के जीवन चला गया वो वापस आएगी। कुल मिलाकर पूरे इलाके में भेड़िए से दहशत है, पुलिस प्रशासन भी लोगों को सतर्क करने में लगा हुआ है, लेकिन लोगों का सवाल यही है कि आखिर इतनी हाईटेक व्यवस्था होने के बाद भी भेड़िया पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है? फिलहाल के लिए बस इतना ही, बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।